पूर्णतः संविधान के दायरे में है, जबकि पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री का जो आचरण है वो निंदनीय है और संविधान के दायरे से बाहर। भारत की जनता चुनाव करके ही राज्य सरकारों को चुनती है, कोई पंजाब सरकार के मामले में विशेष नहीं है, केंद्र में हो राज्य में हो, लेकिन सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं। जब भगवंत सिंह मान जी को शपथ दी गई थी तो वो राज्यपाल ने दिलाई थी, जब मंत्रिमंडल बना था तो राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। जो भी निर्णय सरकार लेती है, आप जानते हो, द गवर्नर इज प्लीज टू डू दिस थिंग, गवर्नर इज प्लीज टू डू दैट। सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं, मन मर्जी से नहीं चलती, लोगों ने उनको चुना है, लेकिन कानून के अनुसार सरकार चलाने के लिए चुना है। और जिस संविधान के अंतर्गत उन्होंने शपथ ली थी उसी का आर्टिकल 167 मैंने आपको सर्कुलेट किया है मीडिया में, जिसमें कहा गया कि आपको जानकारी देनी है। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेसी है जो वो नहीं देना चाहते। आपसे यही पूछा है कि जो प्रिंसिपल आपने सिलेक्ट किया उसका क्राइटेरिया बताइए, कितना खर्चा हुआ वो बताइए। एक किसी मीटिंग में ऐसा व्यक्ति शामिल हो रहा है जो कानूनी तौर पे वहां बैठ नहीं सकता, उसकी आप जानकारी दीजिए। तो आर्टिकल 167 भी उसी पार्लियामेंट ने बनाया था, उसी संसद ने बनाया था जो सारे हिंदुस्तान द्वारा चुनी गई थी। राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, जिसकी कॉपी आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कि ये पहली बार नहीं है, 3-4 बार पहले भी ऐसे हो चुका है और उसकी उदाहरणें उन्होंने दी हैं। अगर राज्य सरकार कानून का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो राज्यपाल के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उन ऑप्शन में वो कौन सा एक्सरसाइज करना चाहेंगे ये उन पर निर्भर करेगा, लेकिन वो सरकार को रिपोर्ट भेज सकते हैं, पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा अभी, क्योंकि 15 दिन का समय बाकी है, मैं इसके अलावा और अधिक नहीं कहना चाहता, पर राज्यपाल के पास संविधान के अंतर्गत, संविधान के बाहर नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये उन पर निर्भर करेगा कि वो किस ऑप्शन का कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। राज्यपाल, अगर राज्यपाल को लगता है संविधान के अनुसार कि किसी राज्य की सरकार कानून के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजते हैं, फिर वो कैबिनेट में विचार होती है और फिर वहां पर उसका निर्णय होता है कि क्या करना है। सत्यपाल जैन साहब, देखिए, अब मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य में, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, आज यहाँ आम आदमी पार्टी की है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं भाजपा की है, कहीं गवर्नर के साथ संबंध अच्छे हैं, कहीं नहीं है, बहुत ऐसे होता आया, मेरी जानकारी में अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि किसी राज्य में, और ऐसी बहुत ही इनोकुअस सी जानकारी राज्यपाल ने मांगी हो और सरकार उसको देने से इनकार करे। अपने आप में ये बात कि इन विषयों पर जो जानकारी मांग रहे हैं वो जानकारी सरकार नहीं देना चाहती, उससे भी शक पैदा होता है कि कहीं मामले में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन एक और सवाल ये है कि अभी बजट सेशन आने वाला है सर, बजट सेशन से पहले है गवर्नर, जो राज्यपाल साहब है वो अभिभाषण वो पढ़ते हैं सर, उस समय क्या राज्यपाल के पास इतनी पावर्स होती है कि वो उस अभिभाषण को ना पढ़े, या फिर कितनी देर पहले है जो सीएम साहब है, गवर्नर, जो गवर्नमेंट है, वो जो भाषण है वो राज्यपाल तक देती है? देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है ऐसे ही संसद में राष्ट्रपति का होता है, वो जो वहाँ की सरकार है वो तैयार करती है, ये परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है, राज्य सरकार तैयार करती है, और जब उस पर क्या करना है क्या नहीं करना ये राज्यपाल का प्रेरोगेटिव है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना। राज्यपाल कर रहे हैं, भारत का संविधान है जिसको सबने लागू किया, आर्टिकल 167 साफ तौर पर लिखता है, ये कोई रूल का सवाल नहीं है, ये कोई एक्ट का प्रश्न नहीं है, संविधान सुप्रीम है, शपथ लेते हैं तो मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आर्टिकल 167 ये बात कहता है कि राज्यपाल अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, सरकार की, वो इन्फॉर्मेशन राज्यपाल को देना। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो सीधे सीधे आप संविधान को चुनौती दे रहे हो, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। इस पर क्या कार्रवाई करनी है ये 15 दिन के बाद निर्णय करना राज्यपाल का अधिकार।